नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कंगना रनौत पर रणबीर कपूर का पलटवार। रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना की ओर से दिए गए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें कंगना ने रणबीर और आलिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये दोनों राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर चुप रहते हैं। ऐसे में रणबीर कपूर ने कंगना पर पलटवार किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से कंगना के इस बयान के बारे में पूछा गया तो उस पर रणबीर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। इसके साथ ही रणबीर कपूर ने बताया कि लोगों की अपनी सोच है, वह कुछ भी बोले, मैं उनकी ऐसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ और लोग भी जानते हैं मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ। गौरतलब है कि फिल्म मणिकर्णिका को किसी बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट न मिलने पर भड़की हुई कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं एक एक करके इनकी वाट लगा दूंगी और इन सबको एक्सपोज करूंगी। जब फैन से बचकर सीढ़ियों पर भागते दिखे अर्जुन कपूर और कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर मीडिया द्वारा फॉलो किए जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी तस्वीरें और वीडियो के लिए मीडिया तैयार रहते हैं। कई बार सेलिब्रिटीज इससे परेशान हो जाते हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर देते हैं। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और कार्तिक आर्यन ने कुछ ऐसा किया जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अर्जुन और कार्तिक आर्यन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान दोनों एक्टर्स एक फैन के पीछे भागते नजर आए। बता दें कि दोनों एक्टर टाइगर श्रॉफ, एक्ट्रेस अनन्या पांडे और तारा सुतारिया स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच कई आराना भी देखने को मिला। एयरपोर्ट के बाहर नोरा फतेही के साथ हुई अजीब घटना। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जल्द ही फिल्म भारत में काम करती नजर आएंगी। नोरा सत्यमेव जयते के दिलबर सॉन्ग्स के बाद इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। उनका ये गाना कई भाषाओं में शूट किया जा चुका है। नोरा सोशल मीडिया पर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शूट किया जो कि सोशल मीडिया पर खूब लाइक और शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में नोरा ने लिखा, कुछ बहुत अजीब होना शुरू हो चुका है, हमारे साथ बने रहिए। दरअसल वीडियो में नोरा फतेही असिस्टेंट डायरेक्टर स्टीवन रॉयस थॉमस के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर जाती दिख रही है। दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं कि अचानक एक फैन दौड़कर आती है और स्टीवन के साथ सेल्फी लेने लगती है। पास ही खड़ी नोरा हैरत और मायूस भरी नजरों से देखने लगती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।